ऑन क्लासेस में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज पुनः करेंट के 5 क्वेश्चन के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो आपके होने वाले एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसी आने वाले जो एग्जामिनेशन है उसी को ध्यान में रखते हुए ही इसका और हम लोग इसका उसी को फोकस करते हुए ही हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। तो आज का हम लोग करंट अफेयर का देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। पहला है कि अलेक्जेंडर लुकांस्को किस देश के 6ठी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो अलेक्जेंडर लुकांस्को जो हैं से बेलारूस यूरोप महाद्वीप में एक देश है, वहीं के राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका उत्तर होगा बेलारूस, जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और जिसकी राजधानी मिंस्क है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि शेर की संख्या विलुप्त हो रही है। तो शेर प्रजाति को क्या करने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा उसको प्रतिवर्ष एक दिवस के रूप में चयन किया गया है कि 10 अगस्त को जागरूकता फैलाया जाएगा कि शेर की संख्या में कमी ना हो, जिसके कारण लोगों में ऐसा हो कि इसमें शेर की संख्या कमता जा रहा है, वो उसमें वृद्धि करने का ऐसा जागरूकता हो, इसीलिए प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। तो यह मनाने का पीछे क्या कारण है कि शेर की संख्या में कमी के को देखते हुए संरक्षण करने का योजना है कि उसको बचाया जाए, शेर को बचाया जाए, इसीलिए प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि किस विभाग ने मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल एक बनाया गया है, उसका नाम रखा गया है, सुरक्षा को लॉन्च किया गया है। यह किसके बीच में, मानव और किसके बीच में, हाथी के बीच में टकराव की स्थिति जो होती है उससे बचाव करने के लिए नेशनल स्तर पर एक सुरक्षा कवच बनाया गया है, पोर्टल बनाया गया है और उसका नाम है सुरक्षा। ये किस मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, जिसके अभी मंत्री हैं प्रकाश जावेडकर। क्या होगा इस योजना के तहत में, इस ऐप में क्या होगा, सुरक्षा में, इस सुरक्षा में ऐप होगा कि सुरक्षा ऐप के द्वारा जो भी वन्य जीव संरक्षण केंद्र हैं, जो सेंटर हैं, जो वन्य जीव के वन जो जानवर को रक्षा करते हैं या उनको रखा जाता है जिस सेंटर पर, उस सेंटर को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, वित्त रूप से इतना स्ट्रोंग किया जाएगा कि कोई भी जानवर भूख के कारण वह जंगल छोड़कर के शहरी एरिया में नहीं आवे। अगर हम कोई सेंटर को इतना हम वित्तीय रूप से स्ट्रोंग कर दें, खाना पीना इतना भरपूर मात्रा में कर दें कि जानवर को आना ही नहीं पड़े शहर की ओर और उससे मानव से टकराव हो ही नहीं, इसीलिए इस ऐप सुरक्षा ऐप को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने एक सुरक्षा ऐप बनाया है। इसमें क्या किया जाएगा कि प्रत्येक सेंटर को वित्तीय रूप से स्ट्रोंग किया जाएगा और
जो हाथी बहुत आप न्यूज में सुनते होंगे, अभी हाल के घटना में सुने थे कि हाथी जो था रेलवे क्रॉसिंग पार करने के क्रम में कितना 10-12 हाथी कट के मर गया। इसीलिए मर गया कि वह जंगल से बाहर निकल गया, जंगल से बाहर निकल गया। आम दिनों हमेशा सुनते रहते हैं कि हाथी आज इस गांव में जाकर उपद्रव किया, आज इस घर इस गांव में जाकर घर तोड़ दिया, यहाँ बहुत उपद्रव करता है हाथी। तो मानव और हाथी के बीच में टकराव हमेशा बना ही हुआ रहता है, तो बना हुआ रहता है तो क्यों हाथी निकलता है बाहर, बाहर निकलने की आवश्यकता क्यों है? इसके पीछे यह कारण हो सकता है कि हाथी को पर्याप्त रूप से जंगल में भोजन नहीं मिलता हो, इसके कारण वह भोजन की तलाश में वह निकलता है गांव की ओर, शहर की ओर। अगर हम जंगल में ही हाथी को भोजन उपलब्ध करा दें, पानी उपलब्ध करवा दें, तो वह नहीं आएगा बाहर में, ऐसा है तो ऐसा है। तो इसी को देखते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है और उस पोर्टल का नाम है सुरक्षा। किस लिए किया गया है पोर्टल को, कि मानव और हाथी के मध्य टकराव को रोकने के लिए जंगल में ही हाथी को जल और पानी की व्यवस्था कर दी जाए, जिसके लिए वन्य जीव संस्थान को वित्तीय रूप से मजबूती प्रदान की जाएगी वैसे विश्व हाथी दिवस, एक ये भी क्वेश्चन लिख लेते हैं, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी ऐड कर लेंगे कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए रक्षा वस्तुओं के आयात पर, आयात मतलब क्या होता है, दूसरे देशों से मंगाना, और निर्यात मतलब होता है दूसरे देशों को भेजना। तो कोई भी देश अगर आयात ज़्यादा करता है और निर्यात कम करता है तो वह देश ज़्यादा विकसित नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका सारा पूंजी आयात करने में ही चला जाता है, वह अपना विकास नहीं कर पाता है। तो इसी को क्या करते हुए आत्मनिर्भर हम तब बनेंगे जब हम मैक्सिमम सामान हम भारत में ही हम क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो हमारा जो बाहर जो विदेश के लिए जाता है धन, वो धन हमारा इंडिया में ही रह जाएगा, तो हम विकास करेंगे। तो इसी को उद्देश्य को देखते हुए 101 वस्तु को 101 वस्तु को क्या किया गया है, आयात से प्रतिबंध लगा दिया गया है रक्षा वस्तुओं पर, क्योंकि भारत में रक्षा वस्तुओं और पेट्रोलियम पर ज़्यादा आयात होता है, खर्च होता है भारत सरकार को रक्षा वस्तुओं को आयात करने में ज़्यादा रुपया देना पड़ता है। तो 101 वस्तु का आयात क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है, प्रतिबंध रोक दिया गया है कि हम उसका ट्राई करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही हो, जिससे भारत का पूंजी भारत में ही रह जाए, तो वो हमारे ही बीच में रहेगा, तो हम ही लोगों को फायदा करेगा। तो इसी के ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए ही 101 वस्तु के आयात पर क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। और पेट्रोलियम पर तो हम नहीं, कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कि हम नहीं लगा सकते हैं, पर इसमें भी ऑप्शन धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि हम जितना आयात पर निर्भर रहेंगे उतना ही हम अपने आप को विकास से दूर रखेंगे। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है कि अब उसका भी कुछ उपाय हो रहा है,
उसका उपाय ये हो रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन वगैरह का ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक वाहन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगर वो भी अगर प्रोत्साहित अच्छे ढंग से हो पाता है तो कल भविष्य में जो पेट्रोलियम पर भी हम ज़्यादा आयात करते हैं पूंजी, वो भी पूंजी भारत में ही चला जाएगा, वो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम पेट्रोलियम पर उतना आयात उतना निर्भर नहीं रहेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक वाहन सौर बहुत कुछ आ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य से ही 101 रक्षा वस्तुओं पर क्या कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व जैव ईंधन दिन मनाया जाता है 10 अगस्त को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें जो अभी जो बता रहे थे कि जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जैसे कोयला हो गया, ये सब जो कोयला हो गया, कोयला तो जो पारंपरिक है उसी से हम लोग का ऊर्जा वगैरह सब प्राप्त होता है। तो कोयला अगर जितना खपत होगा बाद में वो तो फिर वापस आने वाली चीज़ में वो तो ख़त्म होना ही है। तो अगर उसके जगह पर हम वायो प्रोडक्ट जैसे कि जैव ईंधन हो गया या मीथेन वगैरह या सोलर एनर्जी के द्वारा अगर गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा दें तो वह हमारे लिए ज़्यादा हितकारी होगा। इसमें क्या है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का 2020 का थीम रखा गया है जैव ईंधन और भारत। ये पूछ सकता है जैव ईंधन और भारत किसका थीम है, तो विश्व जैव ईंधन दिवस का थीम है। कब का थीम है, 2020 का थीम है। अब प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो बनाया 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो यह था आज का 5 क्वेश्चन, 5 करंट क्वेश्चन। यह आपके आने वाले जनरेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है, अतः आप इसे बार बार देखें और शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।